कैसे हो दोस्तों। आई होप कि आप सब बढ़िया से होंगे। आज बहुत दिनों के बाद मैं आज आपके लिए वीडियो एक लेकर आया हूँ। तो इससे पहले मैं क्या कर रहा था जिसकी वजह से मैं आपको वीडियो नहीं दे पा रहा था, तो आज इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारा आने वाला का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों मैं थोड़ा पीछे से मैं बात करना चाहता हूँ कि हमने नवंबर के मंथ में हमने ट्रेनिंग के लिए गया हुआ था, और ट्रेनिंग करने के बाद फील्ड वर्क होना चाहिए, लेकिन ट्रेनिंग करने के बाद फील्ड वर्क करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। क्यों डिफिकल्ट होता है कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है, नॉलेज होता है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं होता है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने नज़दीकी डॉक्टर के साथ कुछ दिनों तक घूमने पड़ेगा। उससे क्या होगा, एक्सपीरियंस होगा। आपको इंजेक्शन देने आता है लेकिन फिर भी अगर डायरेक्ट फील्ड में काम करेंगे तो डर लगेगा, उल्टा सीधा भुका सकता है, पानी चढ़ाना है तो भी उल्टा सीधा हो सकता है, नस का प्रॉब्लम हो सकता है कि आपको नस मिलेगा ही नहीं, ये सब चीज़ें दिक्कत होगा। मेडिसिन के बारे में पता है लेकिन आप डरेंगे कि कौन सा बीमारी है, अगर ये इंजेक्शन देंगे तो ये काम करेगा या नहीं करेगा, इस चीज़ का भी दिक्कत होगा। मेरे कहने का मतलब है कि एक्सपीरियंस की वजह से आप फील्ड में काम नहीं कर सकते। अगर एक्सपीरियंस चाहिए तो आपको कुछ दिनों तक डॉक्टर के साथ रहना ही पड़ेगा। तो मैं ट्रेनिंग के बाद मैंने सोचा था कि कोई बढ़िया डॉक्टर के पास मैं रहूं, लेकिन नहीं हो पाया वैसा। लेकिन मेरे पास जो मेरे फार्म पे जो सेमेंट डालने वाले डॉक्टर साहब आते हैं उन्हीं के साथ मैं कुछ दिनों तक फील्ड वर्क में रहा। लेकिन अभी भी मेरा ख्वाहिश है कि मैं किसी अच्छे डॉक्टर अगर मिल जाते हैं तो उसके साथ मैं रह लूँ, ताकि एक अपना एक्सपीरियंस और नॉलेज और बढ़ता चला जाएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी तो नहीं जा पा रहा हूँ, अभी हम लोग का रमज़ान का महीना स्टार्ट हो गया तो इसमें अब जाने में नहीं बन रहा है। लेकिन बात करके रखा हूँ, अगर रमज़ान या ईद के बाद मैं जा सकूँ तो वो मुझे रखेंगे। लेकिन अभी मैं सेमिन वाला काम भी स्टार्ट किया हूँ और अपने पास कुछ दवाइयाँ भी रखा हूँ, जैसे इमरजेंसी कॉल आ जाता है, किसी का कॉल आता है तो मैं वो भी अपना भी काम साथ साथ में स्टार्ट किया हूँ। तो आज से मैं बताना चाहूँगा कि आज से 1 महीना पहले हमने काम धेनु वाले से कांटेक्ट करके अपने पास नाइट्रोजन और सीमेन लेकर आया। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि हमने कंटेनर कहाँ से ख़रीदा, तो कंटेनर हमें ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ा और हमने अभी तक कंटेनर ख़रीदा भी नहीं। अपना हमारे गांव के पास से एक साहब हैं, उनके पास ये एक कंटेनर था, वो पहले फील्ड में काम करते थे, तो उन्हीं से मैं मांग कर अपने पास लेकर आ गया। उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे दिया। तो काम धेनु वाला गाड़ी आया तो उससे मैं लगभग 45 रुपये मुझे नाइट्रोजन मिला और 32 रुपये सीमेन पड़ा है, तो 50-80 रुपये समथिंग कॉस्ट पड़ता है, और 2 रुपये हिसाब 180 रुपये का लगता है। हमारा ग्लव्स था और सीट भी ऐसे ही कुछ 200 रुपये समथिंग आसपास में था। तो इस तरह करके हमने लगभग 4,000-5,000 का सीमेन और नाइट्रोजन दोनों मिलाकर लिया था, और अभी चल रहा है, अभी भी सीमेन कुछ बचा हुआ है। और मैंने लगभग 1,000-1,200 को मैंने दवाइयाँ भी लिया है जो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। इतना दवा आपके पास होना चाहिए, आप अगर फील्ड में काम करते हैं तो ये दवा आप ज़रूर रखें, या आपका अगर फार्म भी है तो आपके पास ये सब होना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको बता दें एक एक करके, ये हमारा थर्मामीटर है जो ये 150 रुपये का कॉस्ट समथिंग पड़ा था। तो एक थर्मामीटर हर किसी के पास होना चाहिए, सिरिंज होना चाहिए छोटा बड़ा, हमारे पास 50 ml वाला नहीं है लेकिन 20 और 10 है। उसके बाद हमारे पास है सबसे पहले तो ये जीट एविल जो है, ये मेनन एक्सप्लेन है जो दर्द वगैरह में काम आता है, फीवर डाउन में भी काम आता है। ये बी कम्प्लेक्स है कॉन्सेप्लेक्स के नाम से, और ये है एस्पेंसिल, ये जो पेट ममोड़ा वगैरह में काम करता है। यह है OTC ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक ये दवा है। एक जेंटामाइसिन है, ये जेंटाभेट के नाम से है, तो ये इमरजेंसी यानी इंजेक्शन है, इमरजेंसी यानी जब ज़्यादा डिफिकल्ट कंडीशन रहता है उसमें हम लोग यूज़ करते हैं। और ये आइवरमेक्टिन इंजेक्शन है, क्या है। और एक हमारे पास लोक है जो पैरासीटामोल है, ये फीवर वगैरह में काम आता है। और हमारे पास एक इंड्रोफ्लोक्सासिन है, तो ये दो एंटीबायोटिक जो है ये प्रेग्नेंट के लिए है और ये नॉन प्रेग्नेंट के लिए है। उसके बाद हमारा एक सिक्विल इंजेक्शन होगा, ये सिक्विल इंजेक्शन है, ये सुन वगैरह करने में काम आता है।
तो ये 10 दवाइयाँ हमारे पास है जो हम फील्ड वर्क में काम लेते हैं। तो इसी दवाइयाँ से हम लोग फील्ड में काम करते हैं। तो ये हमारा छोटा सा वीडियो रहा। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।